इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें देश में कहीं भी आने जाने की इजाज़त दी है, और आर्टिकल 21 में भी हमें कहीं भी इंडिया में या कहीं भी हमें आने जाने की इजाज़त दी है। ऐसे में लड़का लड़की कोई होटल में जाते हैं तो ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे रोक सके। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार कोई लड़का लड़की अपनी सहमति से कहीं जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं तो वो जा सकते हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे वो रोक सके। मेरे पास कई सारा कमेंट आ रहा है कि हम चेक इन करते टाइम में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाइए। सुगाज मैं इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होटल में चेक इन करते टाइम में आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप कानूनी तौर पे सेफ रहे। फर्स्ट है एज। अगर लड़का लड़की कोई होटल में चेक इन करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो उसका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर लड़की की एज 18 साल से कम है तो उसके गार्जियन आप पे किडनैपिंग या रेप का केस कर सकता है। तो इस सिचुएशन में लड़की की एज 18 साल से ज़्यादा और लड़का का भी उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इस सिचुएशन में आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ होटल में चेक इन करते हैं तो आपके एज का कोई मायने नहीं रखता, आप कोई भी एज का आप फैमिली के साथ होटल में चेक इन कर सकते हैं। दूसरा है आईडी। अगर होटल में आप चेक इन करने जाते हैं तो आपके पास एक आईडी होना चाहिए, जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, तब भी आप जो है पुलिस के लफड़े से, उसके पंगे से आप बच सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट पे आपको सिग्नेचर करके होटल में देनी होती है। और तीसरा है आईडी कार्ड। दोनों की आईडी कार्ड होनी चाहिए और उसमें 18 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, और उस पर सिग्नेचर करके वो पेपर को आपको होटल में देना होता है। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी आईडी नहीं है तो उसका चेक इन डिनाइट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दो तीन लड़के होटल में चेक इन कर रहे हैं तो किसी एक का भी आईडी है, उस पर आईडी पे अपना साइन करके होटल में दे देगा तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ लड़की है तो लड़की और लड़का दोनों का आईडी होना चाहिए और उस पर सिग्नेचर करके आप होटल में जमा कीजिए, तभी आपका जो चेकिंग हो पाएगा, नहीं तो चेकिंग डिनाइट कर दिया जाएगा। फोर्थ कंडीशन है इंडियन। अगर लड़का लड़की इंडियन है तभी आप होटल में चेकिंग कर सकते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की कोई इंडियन नहीं है तो उसका चेकिंग है डिनाइट कर दिया जाएगा और उसको होटल में रूम नहीं मिलेगा। इसीलिए लड़का और लड़की दोनों इंडियन होना चाहिए। अगर आप ये चारों चीज़ जो है फॉलो करते हैं तो आप कानूनी तौर पे बहुत ही सेफ और सिक्योर रहेंगे। ऐसे में अगर लड़का लड़की जो अनमैरिड है, अगर वो होटल में चेक इन कर रहे हैं तो ये कानूनी तौर पे भले ही वैलिड है, लेकिन सामाजिक तौर पे ये वैलिड नहीं है। अगर आप समाज में अगर इस तरीके से हरकत करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपको अगर होटल में जाते हैं तो अपने फैमिली से परमिशन ले लीजिए, या टाइम रहते ही आप दोनों शादी कर लीजिए। सो गाइस, आज के वीडियो में आपने जाना कि होटल में चेक इन करते टाइम में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।